श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुनि, उनका विवरण सुनो। रारव, सुकर, रौध, ताल, विशेषण, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुद्रांभ, वैतरणी, क्रमिश, क्रमी भोजन, असी पत्रवन, कृष्ण, लालाभिक्ष, दारुण, पूय वह, पाप, वही ज्वाल, अभिशिरा, संदश, कालसूत्र, तमस, आवीची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अपरची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज की शासना अधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे गिरते ही हैं। जो पुरुष कूट साक्षी अर्थात झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि सतम, भ्रूण अर्थात गर्भ नष्ट करने वाला, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रौध नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है, मध्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भागिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पुत्रगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला क्रमी भक्ष नरक में गिरता है, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला क्रमिश नरक में जाता है। जो नराधम पुत्रगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है, और बाण बनाने वाला वैधिक नरक में जाता है। जो मनुष्य कर्णी नामक बाण बनाते हैं और जो खड़ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषसन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाजय याजक और नक्षत्रोपजीवी नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूय वह नरक में जाता है, तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस रस तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूय वह नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुकुट, छाग, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्लव्रति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद व्रति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम अर्थात मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं।
यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है, तथा जो लोग मेरे पातादि करने वाले, हेतु की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो व्रताही वनों को काटता है वह असी पत्र वन नरक में जाता है। मेषोपजीवी अर्थात गणरिये और व्याधगण वही में ज्वाल नरक में गिरते हैं, तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वही ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संघर्ष नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीरपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं, और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर, प्राणी, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी संख्या में सहस्त्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय जी, स्वयंभू व मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री भगवान विष्णु के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय जी, जिसका चित्त जप, होम और अर्चन आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्रपद आदि हल तो अंतराय अर्थात विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति, और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसीलिए हे मुनि, श्री भगवान विष्णु का अहिर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है, और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोतम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुता ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति के कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और ना कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं।
परमार्थतः ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।